और भैया आपको बता दें सरकार बनाने को लेके फिलहाल एनडीए में मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि सरकार बनाने को लेके एनडीए में फिलहाल मंथन तेज हो गई है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे सुदेश महतो। बैठक में सरकार बनाने को लेकर होगी मंथन। सुदेश महतो के साथ सीपी चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुदेश महतो फिलहाल रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। सरकार बनाने को लेकर एनडीए में आज मंथन किया जाएगा। दिल्ली में एनडीए की आज अहम बैठक है जहां पे तमाम अटकलें जो फिलहाल लगाई जा रही हैं उसको लेकर बैठक की जाएगी और चर्चाएं होंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में सरकार बनाने को लेकर मंथन होगा। सुदेश महतो के साथ सीपी चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन फिर से एक बार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चितरंजन देखिए आज दिल्ली की ओर तमाम बड़े नेता रवाना हो रहे हैं। सुदेश महतो सीपी चौधरी तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट से इस वक्त दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। एनडीए की आज बैठक होगी, मंथन किया जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ सकती है? अभी तो मैंने आपसे झारखंड को लेकर सवाल किया, अगर बिहार की भी बात करें तो बिहार से भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो आज दिल्ली में कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया दोनों की जो अहम बैठक है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कल परिणाम आया, परिणामों के बाद एनडीए और इंडिया, इन दोनों ही दलों की जो गठबंधन की जो दलें हैं उनकी बैठकें आज दिल्ली में रखी गई हैं। एनडीए की बैठक सरकार बनाने को लेकर रणनीति होगी। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे जहां पर वो सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे। प्रधानमंत्री का शपथ भी होस्ट सेरेमनी भी बहुत जल्द होगा। ऐसे में वहीं अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन की भी रणनीति को लेकर बैठक है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या तोड़ मड़ोड़ कर वो इंडिया गठबंधन राज्य जो है भारत की सत्ता पर काबिज होना चाहेगी या फिर उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि दो ऐसे उनके इंडिया के जो साथी हैं वो इस वक्त एनडीए के साथी बने हुए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो वहीं दोनों जो अहम पार्टियां हैं वो अहम रोल निभाने वाली, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तो दूसरे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अगर ये दोनों शामिल हो जाते इंडिया में तो एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है, अपने नेताओं को वो जो है एकजुट करने में विफल हो सकती है पहली बार एनडीए। ऐसे में लगातार जो है बीजेपी के आलाकमान, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर अमित शाह की बात की जाए या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए, ये दोनों ही नेता लगातार अपने जो एनडीए के जो साथी दल है उनके दलों के प्रमुखों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और इसी का एक रीजन है कि एनडीए की बहुत जल्द बैठक रखी गई, आज ही बैठक रखी गई शाम 4 बजे से के आसपास की ये बैठक है, और बैठक में जो एनडीए के साथी दल है उनको बुलाया गया है तो वहीं उस बैठक में शामिल होने के लिए, क्योंकि झारखंड में बीजेपी का जो साथी दल है, एनडीए का जो साथी दल वो आजसू है, तो आजसू सुप्रीमो जो सुदेश महतो है वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में वो बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात है, उसकी मुलाकात के बाद जो शाम में जो बैठक है उस बैठक में भी शामिल होंगे। और उस बैठक में देखिए जो बैठक से पहले जो इनकी मुलाकात है वो मुलाकात ऐसे नेताओं के साथ बीजेपी का आलाकमान कर रही जो है रणनीतिकार होंगे जो नेतृत्व करेंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो एनडीए के साथी में और भी दलों का शामिल हो। इसके यही कारण है कि उसी रणनीति का एक बैठक जो है दोपहर में रखा गया है जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अमित शाह हैं वो कयास लग करेंगे कि एनडीए के साथी बने क्षेत्रीय दल। ऐसे में सुदेश महतो को भी उस रणनीति का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसके कारण अगले सुबह जो है सुदेश महतो दिल्ली के लिए रवाना हुए और देर शाम उस बैठक में भी शामिल होंगे। सुदेश महतो के साथ गिरिडीह से जो आजसू के सांसद जो चुनाव जीते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी वो भी मौजूद रहे उनके साथ, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू के उम्मीदवार थे, एनडीए का उनको समर्थन था, बीजेपी का एनडीए के उम्मीदवार थे, और तो वो भी दिल्ली रवाना हुए हैं सुदेश महतो के साथ, दोनों ही नेता दिल्ली रवाना हुए। वहीं झारखंड के लिए खास दिन आज यह भी है कि इंडिया की बैठक जो होनी है उस बैठक में भी झारखंड के दो और बड़े नेता जो है वो जाएंगे, जेएमएम के
जेएमएम के तरफ से दो नेता है कल्पना सोरेन वो इस बार भी जाएंगी, वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो भी दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उस बैठक में शामिल होने के लिए वो जाएंगे। लेकिन एक तरफ एनडीए की बैठक के लिए आशु सुप्रीमो सुदेश महतो जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया की जब बैठक होगी उस बैठक में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन जो गांडे से उपचुनाव भी जीत चुकी हैं तो झारखंड की राजनीति में भी अब जो है बहुत कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि चंपई सोरेन के नेतृत्व में राज्य में सरकार चल रही है और इसी वर्ष जो है नवंबर महीने में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो कई रणनीति है झारखंड की राजनीति को लेकर, उस रणनीति पर भी एनडीए और इंडिया की दोनों ही बैठकों में विचार किया जाएगा। हमने बताया कि एनडीए जो क्षेत्रीय दलों का जो आशु सुप्रीमो सुदेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन, आपने बहुत ही संक्षेप शब्दों में हमें समझाया। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में इंडिया और एनडीए दोनों घटक दलों की आज बैठक है और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन फिलहाल रवाना होंगे और वही अगर हम एनडीए की बात करें तो आशु सुप्रीमो सुदेश महतो भी फिलहाल रवाना हो चुकी है। फिलहाल के लिए